अगर आपका IVF हुआ है और आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ है, उसके बाद आपको 15 डेज़ के लिए मेडिसिन दिए हैं और उसके बाद आपको बोला गया है कि 15 डेज़ के बाद ब्लड टेस्ट करो बीटा HCG का, तो इन 15 डेज़ में क्या आपने कंप्लीट बेड रेस्ट लेना है या आप नॉर्मल काम कर सकते हो? कंप्लीट बेड रेस्ट लेने से कुछ फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? कितने सारे क्वेश्चंस, राइट? और बहुत सारा कन्फ्यूजन भी। तो आज इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा एंड तक। हाय, मैं डॉक्टर मंजुश्री कोथेकर हूँ। मैं एक IVF स्पेशलिस्ट हूँ। मेरा क्लिनिक मुंबई में चेंबूर और घाटकोपर एरिया में है और मेरा पैशन ये है कि पेशेंट्स को एजुकेट करना, अवेयर करना उनके ट्रीटमेंट के बारे में, उनके डायग्नोसिस के बारे में। तो आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस है, भले ही वो आप किसी और को पूछेंगे तो वो शायद उसको सिली क्वेश्चंस बोलेंगे, लेकिन आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को सेटिस्फाई करने के लिए मैं ये वीडियोस बनाती हूँ। आपको तो पता ही है कि जब आपका IVF होता है तो IVF मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब जिसमें हम फर्टिलाइजेशन आपके बॉडी के बाहर करते हैं, इसके लिए हमें आपके पहले एग्ज निकालने होते हैं। उसके लिए आपको 10-12 दिन का हार्मोनल इंजेक्शन लगता है। फिर आपका एक प्रोसीजर होता है अंडर एनेस्थेसिया, जिसमें हम आपके एग्ज निकाल लेते हैं, आपके हस्बैंड्स के स्पर्म्स के साथ उनको फ्यूज़ करके एम्ब्रियोज बनाते हैं, उन एम्ब्रियोज को कल्चर करते हैं और उन एम्ब्रियोज को उसमें से एक या दो सेलेक्ट करके आपके यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है। कभी कभी वो सेम साइकिल में किया जाता है जिसे हम बोलते हैं फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, और कभी कभी हम वो एम्ब्रियोज को फ्रीज करके रखते हैं और उन्हें हम नेक्स्ट साइकिल में जब आपका हार्मोन्स नॉर्मल लेवल पे हो तब ट्रांसफ़र करते हैं, जिसे हम बोलते हैं फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। तो नॉर्मली ये एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने के बाद हम 50% काम बाहर करके दे रहे हैं बॉडी का, फिर भी ये एम्ब्रियो अगर जो आपका यूट्रस का अंदर का लाइनिंग है जिसे हम बोलते हैं एंडोमेट्रियल लाइनिंग, वहाँ पे चिपक जाएगा, जिसे हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन इन मेडिकल लैंग्वेज, तो ही आपको प्रेगनेंसी होगा। तो ये इम्प्लांटेशन होने के लिए उसके उसको हेल्प करने के लिए बहुत सारे मेडिसिन, प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन, जेल वगैरह आपको दिए जाएंगे। उसके साथ साथ आपको कुछ नॉर्मल एडवाइस भी दिया जाएगा कि बहुत ज़्यादा वेट नहीं उठाना है, बहुत ज़्यादा बेंडिंग नहीं करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और 15 डेज़ के बाद, 12 to 15 डेज़ के बाद एक ब्लड टेस्ट एडवाइस किया जाएगा जिसका नाम है बीटा HCG। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव है तो उसका मतलब है कि आपका एम्ब्रियोस इम्प्लांट हुआ है और आपको प्रेगनेंसी है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं पेशेंट्स के दिमाग में कि ये 15 डेज़ में अगर वो उठेंगे तो क्या ग्रेविटी की वजह से वो एम्ब्रियोज नीचे आ जाएंगे? अगर वो छींकेंगे, अगर उनको कफ है, खांसी है, तो उनका एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से क्या वो एम्ब्रियोज बाहर आ जाएंगे? क्या उन्होंने पूरा 15 दिन कंप्लीट बेड पे सोके ही रहना है? सोके रहना है तो कौन से पोजीशन में सोना है, पेट पे सोना है या नहीं सोना है, राइट साइड को सोना है या लेफ्ट साइड को सोना, वगैरह वगैरह बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं नेचुरली। तो ये बेड रेस्ट कंपल्सरी क्यों नहीं है, ये जानने के लिए पहले आपको एम्ब्रियो और एंडोमेट्रियम का जो इंटरैक्शन है उसे समझना पड़ेगा। समझ लीजिए कि आपका एम्ब्रियो जो है वो एक स्टिक की बॉल है। एक्चुअली एम्ब्रियो का साइज जो है 150 माइक्रॉन्स है, मतलब अगर मैं यहाँ से पेन से डॉट निकालूंगी तो उससे 1000 टाइम्स छोटा आपका एम्ब्रियो होगा। और वो इट इज़ नॉट जस्ट अ डॉट, स्टिक की बॉल है, उसके ऊपर बहुत सारा स्टिकीनेस है एंड बहुत सारे कोटिंग्स भी है, और वो बॉल हमने डाला है आपका आपके एंडोमेट्रियम पे। समझ लीजिए कि आपका एंडोमेट्रियम एक कारपेट है और वो भी स्टिकी है, बड़ा थिक कारपेट है और वो भी स्टिकी है। तो नेचुरली अगर हम एम्ब्रियो वहाँ पे डालेंगे तो दोनों, बिकॉज दोनों भी स्टिकी है, उस एम्ब्रियो के फॉल होने के, बाहर आने के चांसेस ऐसे नहीं होते हैं। सेकेंडली जो इम्प्लांटेशन है वो कैसे होता है, तो जब एम्ब्रियो ब्लास्टोसिस्ट के स्टेज पे आता है, मतलब 5th डे के स्टेज पे आता है, उसके बाद वो हैच होना चालू होता है, मतलब एम्ब्रियो के सेल्स उसके कोटिंग को ब्रीच करके वहाँ से बाहर आना चालू हो जाते हैं। उसी टाइम पे एंडोमेट्रियम भी उसके लिए कुछ सिग्नल्स भेजता है, केमिकल सिग्नल्स, जिससे अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूँ तो जिससे एम्ब्रियो को पता चलता है कि वो एंडोमेट्रियम अभी रिसेप्टिव मोड में है, अटैच करने करके लेने के मोड में है, तो वो सेल्स वहाँ पे स्टिक हो जाएंगे, दे विल स्टार्ट एम्बेडिंग इनटू द एंडोमेट्रियम जो अपना कारपेट है, उसके डीप में चले जाएंगे
और वहाँ पे वो ग्रो करना चालू हो जाएंगे और इस तरह से एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होगा। जब भी कोई नेचुरली प्रेग्नेंट होता है तो ये सब जब प्रोसेस होता है तब उनको पता भी नहीं होता है कि वो प्रेग्नेंट हो। उनको तो पता तब चलता है आफ्टर 15 डेज, मतलब एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन हो गया है, एम्ब्रियो स्टिक हो गया है, एम्ब्रियो ग्रो होना चालू हो गया है, उनका पीरियड मिस हो गया है, और उसके बाद उनको पता चलता है कि दे आर प्रेग्नेंट एंड देन दे स्टार्ट हैविंग रेस्ट एंड वॉट एवर। जब ये इम्प्लांटेशन हो रहा है तब तो उनको पता ही नहीं कि इम्प्लांटेशन हो रहा है, तो नेचुरली वो तो अपना नेचुरल डेली लाइफ कंटिन्यू ही कर रहे थे, वहाँ पे तो कुछ रेस्ट का संबंध ही नहीं था, फिर भी सब कुछ हो ही गया, राइट। तो इसी तरह से वही लॉजिक हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये भी नेचुरल प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन ही है। हम सिर्फ एम्ब्रियो को बाहर बना रहे हैं, लेकिन एम्ब्रियो को और एंडोमेट्रियम को जो रिएक्शन है वो नेचुरली ही हो रहा है। इसके लिए बेड रेस्ट कंपल्सरी नहीं है। आपके बेड रेस्ट लेने से या नहीं लेने से एम्ब्रियो के इम्प्लांट होने पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन आप अगर बेड रेस्ट पर रहोगे तो उसका नुकसान ये हो सकता है कि मैंने देखा है कि जो वर्किंग पेशेंट्स रहते हैं उनको आप बोलोगे कि आप स्ट्रिक्टली 15 दिन बेड पे रहो और कुछ भी काम मत करो, तो नेचुरली उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है कि मैं ये ट्रीटमेंट कर रही हूँ, ये पॉजिटिव आएगा, सक्सेसफुल होगा नहीं होगा वगैरह वगैरह, तो दैट स्ट्रेस कैन हैव अ निगेटिव इफेक्ट। इसके लिए मैं मेरे पेशेंट्स को हमेशा बोलती हूँ कि कंटिन्यू विथ योर डेली रूटीन लाइफ, नो नीड ऑफ स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट, आई डोंट वॉन्ट एनी एडिशनल स्ट्रेस। आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि आपने कुछ ट्रीटमेंट किया है, जो मेडिसिन आपको एडवाइस किया है वो लेना है जैसे बताया गया है वो बस, और बाकी जो इंस्ट्रक्शंस रहते हैं जैसे कि हैवी वेट नहीं लिफ्ट करना है वगैरह वगैरह, वो आपको फॉलो करने हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। तो आज के लिए इतना ही। आपको इस संबंध में और भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं या मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, मेरा नंबर भी है डिस्क्रिप्शन में, या फिर अगर आपको कंसल्टेशन के लिए आना है तो मुंबई में मेरा क्लिनिक है, वहाँ पे आप आ सकते हो। यूट्यूब से आए हुए पेशेंट्स के लिए फर्स्ट कंसल्टेशन मेरे क्लिनिक में फ्री रहे। थैंक यू।